1974 के छात्र आंदोलन से सियासत में कदम रखने वाले नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पलट कर नहीं देखा। कदम दर कदम सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया, लेकिन कौन जानता था कि कभी पीछे पलट कर ना देखने वाले नीतीश एक दिन सियासत के पलटूराम कहलाएंगे। जो ऐसा कहते हैं उन्हें नीतीश ने 28 जनवरी 2024 को पांचवी बार पलटी मारकर ठोस आधार दे दिया है। गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, आज जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर जो ठीक नहीं लगी है, जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था, वही लोग काम कर रहे हैं, इन सब धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। कमाल करते हैं नीतीश बाबू। अरे कहिए ना, लजाते क्यों हैं कि पलटने वाली पॉलिटिक्स के सियासी कॉलेज के आप ही स्टूडेंट हैं, आप ही प्रिंसिपल, आप ही डीन। इसमें इतना लजाने शर्माने की क्या बात हुई, ऐसे ही कोई पलटूराम थोड़े ही बन जाता है। सियासत का, सामाजिकता का, नैतिकता का मान मर्यादा घोल कर पी जाता है, जनता के वादों को अपनी महत्वाकांक्षा से कुचलना आता है। दिन के सपने में भी जिसे सीएम पद दिख जाता है, इतना हुनर जब एक साथ एक इंसान में मिल जाता है, तब कोई जाकर पलटूराम बन पाता है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना, आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। पलटी मारने के बाद कितनी ढिढ़ई से आप कह देते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। याद भी है आपको यही अल्फाज कितनी बार दोहराई है आपने, शब्द यही रहे हैं, बस सामने वाला इंसान बदल गया है। जिसकी गोदी से उतरते हैं उसी के लिए आपके मुंह से ऐसे जटिल शब्द निकलते हैं। बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके शुरू करना और फिर समाप्त कर देना आपकी फितरत का हिस्सा बन गया है। कुछ याद भी है आपको कि आप सुशासन बाबू से कैसे पलटूराम बन गए? नहीं याद है तो आपको याद दिलाते हैं, आप ही का किस्सा आपको शुरू से सुनाते हैं। सुनिए, शायद कुछ याद आ जाए। छोटे से गांव कल्याण बिघा का एक साधारण परिवार का नौजवान साल 1985 में जब पहली बार विधायक चुना गया था तो उम्मीदों का आसमान परवान चढ़ गया था, लेकिन आपने अपने साथी लालू के सीएम बनते ही कुछ साल बाद उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, याद है ना? नीतीश बाबू, आप और लालू प्रसाद यादव एक साथ जनता दल में थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दोनों के रिश्ते एक दूसरे से अलग हो गए। पहली बार लेफ्ट का साथ छोड़ा। 1994 में जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। इसके बाद साल 1995 में वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए। नीतीश ने लेफ्ट से गठबंधन तोड़ दिया। 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ 2013 तक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे और बिहार में सरकार बनाते रहे। ये वही दौर था जब नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू बन गए थे। लालू रबड़ी के 15 साल की शासन से ऊब चुके बिहार के लोगों ने बड़े ही उम्मीदों से 2005 में नीतीश को सत्ता सौंपी थी। 2005 से 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश कुमार ने भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। 2013 में नरेंद्र मोदी का बीजेपी में उदय हुआ।
बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी पर मुहर लगते ही नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। याद है ना सुशासन बाबू, करीब 10 साल तक बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाई, तब आपको नैतिकता याद नहीं आई, लेकिन एक झटके में मोदी के नाम पर बवाल कर दिया। नीतीश को बड़े भाई लालू यादव की फिर याद आई, फिर लालू नीतीश बिहार की सत्ता संभालने। लोकसभा चुनाव के अगले साल 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को धूल चटा दी, शानदार तरीके से बिहार के सत्ता पर एक बार फिर काबिज हुए, मगर नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। लालू प्रसाद ने अपने 26 साल के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया तो 27 साल के बेटे को मंत्री। लंबे अरसे बाद लालू परिवार ने सत्ता का स्वाद चखा। 2017 में फिर से पलट गए नीतीश। ठीक से 2 साल भी नहीं हुए थे कि महागठबंधन में दरार दिखने लगी। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर नीतीश ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। इस बीच सीबीआई ने लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया। इसकी जांच नीतीश तक पहुंचने लगी। आखिर में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन सरकार गिर गई, मगर कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी के समर्थन से फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी हुई, मगर नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर खिसक गई। हालांकि मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश कुमार ही बने। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार फिर पलटीमार बनने निकल पड़े। जेडीयू ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू भाजपा गठबंधन खत्म हो गया है। अगले दिन वो आरजेडी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बने। अब 2024 में पांचवी बार पलटे नीतीश। एक बार फिर बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है और एक बार फिर से वो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। राजद वाले विपक्षी बन गए हैं। नहीं बदला है तो नीतीश का पद, किसी की भी सरकार, सीएम नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के पलटूराम बनने की इस कथा में देखते जाइए आगे और क्या क्या किस्से जुड़ते हैं। Oh, 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 oh